खबर डोई वाला से। एक बार फिर से जाखन नदी ने दिखाया तेवर, वैकल्पिक मार्ग व अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त। बताते चले कि रानी पोखरी पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग व हाम पाइप की मदद से अस्थायी पुल की व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों की आवाजाही हो सके, लेकिन रात को हुई बारिश से आज फिर से जाखन नदी उफान पर है और नदी में ज्यादा पानी आने के वजह से वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही अस्थायी पुल भी टूट गया है। आपको बता दें कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग व पुश्ते बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन आज आए तेज पानी की वजह से नदी किनारे खड़ा पानी का टैंकर व तार जाल भी पानी के बहाव में बह गया। मार्ग क्षतिग्रस्त व नदी में पानी आने की वजह से एक बार फिर से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं।